हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और भाई अभी हम लोग हैं देहरादून में, बस चेकआउट का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह अपना हो गया है। और क्या करें डैनी, गुड मॉर्निंग गाइस करते ठीक से। गुड मॉर्निंग गाइस। सो चलो भाई अभी बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं और सीधे निकलते हैं शेजदारा के लिए। तो मंडे है, होपफुली रश कम रहे, बाकी ईद भी है तो हो सकता है कि ईद के चलते भी पब्लिक मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि छुट्टी होती है। सो एनीवेज चलो खैर अभी निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट वगैरह करते हैं और मिलते हैं सीधे शेजदारा में। तो गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं शेजदारा के लिए और देखो भाई देहरादून की हरियाली किस तरह से, हर तरफ पेड़ ही पेड़ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो भाई मज़ा आता है ऐसे रोड पे ड्राइव करने के लिए। तो चलो बस अभी घर चलते हैं और देखते हैं अभी कि कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी शेजदारा के लिए। तो गाइस अभी थोड़ा ट्रैफिक से तो खैर निकल करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अभी तो खैर रोड जो है थोड़ा खाली नज़र आ रही होगी आप लोगों को। सो बस देखते हैं कि ठीक से हम लोग पहुँच जाए, वैसे तो ऑलमोस्ट हम लोग शेजदारा भी है, बस एक दो मिनट का जो ड्राइव है हमारी और पेंडिंग है और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएँगे भी अपने उस लोकेशन पर जहाँ पर कि हमने इंजॉय करना है। सो ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेन पॉइंट पर और रश देख सकते हो भाई दोनों ही तरफ जो है, पब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसे देख सकते हो अच्छा खासा भरा हुआ है। सो हम यहाँ पे तो नहीं रुकेंगे, हम लोग अपने स्पॉट पे जाएंगे जो कि इस लोकेशन से आगे है। सो बस वैसे तो फिर भीड़ अच्छी खासी हो ही रखती है, इससे बेटर है कि भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ करके जो शांत वाले एरिया वहाँ पर पहुँच चले। सो चलो खैर अभी अपनी जो ड्राइव है आगे के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग खैर उस पॉइंट पर तो पहुंच गए जहां पर हम लास्ट टाइम आए थे, लेकिन इस बार का रश देखो भाई। सो बाइक्स तो खैर क्या, कार्स भी इतनी सारी हो रखी इस एरिया में। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे खैर बिल्कुल ना के बराबर थे यहां पर, तो क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक जो है पीछे रुक जाती है। बाकी इस बार देखो भाई कितनी पब्लिक हो रखी है। सो एनीवेज खैर अभी हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि फैमिली लेकर कार रखे हैं, तो भाई सेफ्टी भी, सो भाई सेफ्टी का भी खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बस चलो अभी चलते हैं, मौसम तो ठीक है खैर, हवा अच्छी खासी चल रही है, तो बस चलो छोटी सी ट्रैकिंग और पहुंचते हैं उस पॉइंट पे जहां पर कि हमने नाना है, एंजॉय करना है अभी। सार्थक ना लिया, चलो भाई कहाँ नहीं नहीं करेगा अभी सार्थक। डैनी बच्चा पहले कपड़ा चेंज करो, डैनी आ गया मजा। कूद पड़ो
तो बत्तख बना रखा है इसका। ऐसे डुबाया क्या तुमने इसे? नहीं बोल नहीं पी अहद भी लिया। आगे जाने चल टाइम तो मालूम है। तो गाइस अभी निकल पड़े हैं हम लोग नहा धो करके शहरधारा से। बाकी भाई आज का टारगेट रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्योंकि घर तक पहुँचना है जगाधरी। सो अभी अराउंड 1:45 हो रहे हैं तो इस वजह से लंच वगैरह भी लेकर नहीं आए थे। सो बस अभी यहाँ से निकल पड़े हैं और चलते हैं देहरादून में। खैर लंच वगैरह करेंगे फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करके सीधे हमने निकलना है जगाधरी के लिए। भाई आ गया उड़ने मजा। भाई पानी से ये ढूंढा। अच्छा भाई तो चलो फिर अब छुट्टियां खत्म अब है ना। ये भी है ना छुट्टियां खत्म हो गई अब घर जाएंगे। जितना घूमना था घूम लिया है ना। नहीं घूमना था पढ़ाई करना था। हाँ तो पढ़ाई करने का दिन आ गया ना वापस। नहीं यार चलो आ जाओ। जाओ मुझे सार तक कैसे जा रहा। चार तक ए देख टाटा कर दे टाटा। चलो बस पहुंचो घर अब फटाफट। तो गाइस आज के व्लॉग में केवल इतना ही। मिलते हैं एक और एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड वंस अगेन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।